यार गलती से लग गई यार, हाइट बहुत ही कम है इसका, जो कि देखो मेरे सर पर लग जाती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सुबह सुबह के फिलहाल बज चुके 9:30 एंड अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, जो कि दीदी ने डोसा एंड चटनी बनाई है, क्योंकि दीदी बनाती जा रही है एंड मैं और मम्मी जी खाते जा रहे हैं, तो जो भी सब लोग आते जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड पापा जी फिलहाल तैयार हो रहे हैं, फिर करेंगे पापा जी ब्रेकफास्ट। तब तक हम करते हैं भाई मस्त डोसा, मस्त बटर वाले डोसा है, जो कि मस्त मजा आ जाएगा नाश्ते में। तो पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं एंड अपलोडिंग वगैरह सब कुछ कम्प्लीट हो चुकी है। ये सभी की अपलोडिंग की, जो कि आज भी मैं बाजे वाले वाई फाई इस्तेमाल कर ली, क्योंकि आज ब्लॉग थोड़ा लंबा बना था तो फटाफट से मैंने अपलोड कर दिया। सर ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड अभी पापा जी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो अभी हम चलते हैं एंड फटाफट से फ्रेश अप हो जाते हैं। यार मुझे तो याद ही नहीं आया, फटाफट फटाफट भाई पानी वेस्ट जा रहा होगा यार, बहुत सारा पानी वेस्ट चले गया जो कि यहाँ पर से जा रहा है। यार पहले तो बंद करते हैं भाई, बंद हो जा, चलो अभी हो चुका है बंद, अभी वेस्ट नहीं जाएगा। एक्चुअली मैंने बॉल ऑन करके भाई सीधा नहाने को चले गया एंड मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने बॉल ऑन किया था, तो फटाफट से बंद कर दिया भाई, बहुत ही पानी वेस्ट चले गया होगा। तो अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए, सॉरी क्या काम करना ये थोड़ा डाल यार, यहाँ पर भी पानी वेस्ट जा रहा है। मैं इसे कहाँ पर डालू, ये वाला पाइप, इसमें ऊपर में ऊपर डालना है। अरे यार पानी बहुत वेस्ट जा रहा है, अभी सेट है यार, इसमें से भी पानी वेस्ट नहीं जा रहा है एंड ये पानी ऊपर चले जाएगा एंड वो पाइप वहाँ पे डाल दिया तो वहाँ पे भर जाएगा। ओवर हो चुका है लेकिन फिर भी भाई पसीने की बारिश शुरू हो गई, क्योंकि सर पूरा भीगा सा है ना, अभी तक मैंने पूरा पूछा नहीं भाई, एकदम भीगा भीगा है अभी भी, तो उसके अंदर से पानी पूरा सामने जा रहा है, एकदम पसीना जैसा लग रहा है एंड यार गर्मी भी बहुत ही लग रही है एंड आज से मस्त आज इसको भर के रख दिया है, तो मस्त आज से मटका वाला पानी पियेंगे यार, नेचुरली ठंडा पानी पियेंगे यार, मजा आएगा, नेचुरल वाला ठंडा पानी पियेंगे मटके में से। अभी दोपहर के 1:46 बज चुके हैं एंड भाई ये सभी अभी नींद खुली, एक्चुअली मैं तो सो ही गया था, तो बहुत ही थका थका लग रहा था आज, बता नहीं, उठ के मस्त सुबह वगैरह जिम गया एंड थोड़ा बहुत मम्मी जी की हेल्प की, लेकिन फिर भी पता नहीं बहुत ही थका थका लग रहा था, इसलिए बस छपा के सो ही गया एंड टाइम को पता ही नहीं चला यार 1:45 कब बज गए। चलो कोई नहीं, अरे पापा जी भी आए हुए हैं दुकान से, जो कि मस्त बटका एंड खिचड़ी भी बनी है आज, तो खिचड़ी है ना या फिर बिरयानी है, कौन सा एंगल से बिरयानी लग रहा है, ये तो मुझे खिचड़ी लग रहा है। चलो कोई नहीं, पहले तो लंच करते हैं। लंच हो चुका है एंड भैया के टिफिन भी ले लिया भाई, बहुत ही कड़क धूप गिर रही है एंड अभी हमें दुकान जाना पड़ेगा, तो कोई नहीं चलते हैं एंड फटाफट से भैया को टिफिन देते हैं। यार गर्मियों में है ना कुछ करने का मन नहीं करता, खाली बस सोने का मन करता है यार, क्यों तो बहुत ही मस्त नींद आती है गर्मियों में यार, कहीं पर भी रहो भाई, थके से हो या ना हो मस्त नींद आती है दोपहर में। यार क्या धूप गिर रहा है, ऐसा लग रहा है पसीने से पूरे भीग जाएंगे वापस आते आते। चलो कोई नहीं, पहले तो चलते हैं दुकान पे, लंच वगैरह कर लिया है एंड अभी हम चलते हैं घर पे एंड शाम के अभी 3 बज चुके हैं, तो ट्रेनर सर का भी कॉल आ ही जाएगा थोड़ी देर, तो फिलहाल अभी घर पे चलते हैं। पैकेट ले लिया एंड अभी डॉगी को खिलाते हैं भाई, बहुत दिनों के बाद बिस्किट खाएगा डॉगी आज, आएगा चला जा और आ जा अंदर और आ जा भाई, जहाँ जहाँ भी बुलाता आ जाएगा बिस्किट, बाथरूम के अंदर लेके जाते हैं, फिलहाल बाथरूम के अंदर आ गया, यहाँ पर नहीं आएगा, आ जा यहाँ पर देता हूँ भाई, अंदर आ जा अभी यहाँ पर नहीं आएगा, चलो बाहर भागने लग रहा है। चलो कोई नहीं, बिस्किट खोलते हैं एंड डॉगी को देते हैं, कि ट्रेनर सर का कॉल आ गया एंड अभी चलते हैं। ऐसे तो बिस्किट में देके आया लेकिन भाई ट्रेनर सर का कॉल आया था, फटाफट से उसको बिस्किट डाल दिए एंड अभी बाहर आ गया, अब तक तो आया नहीं यार, फिर कॉल क्यों किया यार ये जी, अब तक नहीं आए लेकिन कॉल कर दिया मुझे, अभी अभी कॉल आया एंड उन्होंने कहा बाहर आ जाओ, उन्होंने सोचा आगे होंगे लेकिन अब तक आए नहीं है। चलो कोई नहीं, बाहर वेट करते हैं उनका। चलो आज आप ही बैठो फर्स्ट ट्राई, कौन दीदी, चलो आपको ही बुलाया है, पहले आप ही बैठो। अभी हमारे साथ मस्त एक अंकल भी है जिनकी क्लास चल रही है और इनकी क्लास चलने के बाद हमारी क्लास चलेगी, क्या
कहाँ पे थोड़ा भीगा सर। चलो ये लो चाबी सारी में, ये लो मैं थोड़ी देर में आऊँगा। आप चले जाना फंक्शन, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा फंक्शन। हाँ ठीक है, दुकान पे भेजाऊँगा, लेकिन मैं तो जिम पे चले जाऊँगा, 9-8 बजे वापस आऊँगा, फिर देख लो। यस 6 o'clock ठीक है, चलो 2 मिनट तैयार हो क्या? तो 2 मिनट शूज पहने, 2 मिनट रुके होंगे तो मैं भी साथ में चले जाऊंगा। 2 मिनट रुको, आता हूँ। पैसों के तुम हो गई एंड अभी फटाफट से रेडी हो जाते हैं। यार गलती से लग गई यार, हाइट बहुत ही कम है इसका, जो कि देखो मेरे सर पर लग जाती है। भाई देखो नीचे फोल्ड, लेग फोल्ड है, अभी स्ट्रेट रखूँगा बिल्कुल टच हो जाता है। चलो कोई नहीं, अभी रेडी होते हैं वरना फिर पापा जी निकल जाएंगे, तो हम वापस से चलते चलते जाना पड़ेगा। फटाफट से रेडी होते हैं, तो अभी रेडी वगैरह तो हो गए एंड अभी चलते हैं दुकान पापा जी के साथ। आज तो बहुत जल्दी जाना पड़ रहा है दुकान पर। दुकान पे तो आ गए थे एंड अभी शाम के 6 बजने का आ गए, तो हमें तो अभी जाना पड़ेगा जिम क्लास एंड मम्मी एंड पापा जी को भी जाना पड़ेगा, जो कि अभी फंक्शन अटेंड करने जाना है उन्हें, तो मैं भी जाता हूँ। भाई रात में 18 वगैरह सब कुछ काम रहते हैं एंड वापस फंक्शन से भी आते 12 बज सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं रात के फंक्शन को अवॉइड करते हैं। चलो कोई नहीं, हम सब चलते हैं मस्त जिम क्लास एंड मम्मी पापा जी जब भी जाना है सब चले जाएंगे। तो जिम क्लास तो खत्म हो गया एंड एक्चुअली आज हमें एक्टिवा यहीं पर रखनी पड़ेगी यार, क्योंकि पापा जी कार लेके गए फंक्शन हॉल, तो वापस आए जब एक गाड़ी तो चाहिए, क्योंकि पापा जी कार को यहाँ पे पार्क करके फिर एक्टिवा लेके घर पे आएंगे। तो मम्मी जी एंड पापा जी दोनों गए हैं, दीदी तो यहीं पे रुकी है, यानी पीछे, यानी भाई घर पे रुकी है दीदी। एंड मैंने ट्रेनर सर को कह दिया कि आप घर पे जाए जब मुझे भी छोड़ देना, तो नवीन भैया ने क्या छोड़ देंगे। एंड उनका घर भी मेरे घर से और आगे ही आता है, मेरा घर तो उल्टा पहले आ जाता है, उनके बाद में उनका घर आता है। तो चलो कोई नहीं, उन्होंने कहा तो छोड़ देंगे, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा, उन्होंने ऑफ एन आवर कहा है एंड अभी जस्ट 8:30 बजे, तो कोई नहीं वेटिंग करते हैं। तो मस्त एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर देते, आधी एडिटिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी एंड आधी एडिटिंग घर पे कंप्लीट होगी यार। चलो कोई नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार टाइम वेस्ट क्यों करना, यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रेनर भैया भाई लेकिन बहुत ही लेट कर दिया, क्या इतना लेट कर दिया? वर्कआउट चल रहा है पीटी क्लाइंट। क्या वर्कआउट करा है जी भाई? 9 बज गए, पीटी क्लाइंट आया है, उसका वर्कआउट हो गया होने के बाद में। चलो कोई नहीं, तो अभी आर गोइंग, हाउ इज योर गोइंग व्लॉग्स, कैसा चल रहा है आपका? चल रहा है अभी तो थोड़ा बहुत, मगर आपका अच्छा चल रहा है। और यू हैव टू क्या बोलते हैं, सम डिफरेंट, हां कुछ यूनिक, हां यूनिक, कुछ यूनिक ट्राई करना, यूनिक का ट्राई करो। हां मोर सब्सक्राइब्स मिलता आपको। और एनीवेज योर व्लॉग इज वेरी गुड मैन, ओके थैंक यू सो मच, आई लाइक इट, आई एम योर सब्सक्राइबर। एंड मोर ओवर आप वर्कआउट कर रहे हैं ना, हाँ और वर्कआउट का भी वीडियोस निकाल के रख दो, जो प्रवीण भाई कुछ बोले हैं, आई विल सी दैट, आई विल सी दैट, ओके। वर्कआउट भी अच्छा चल रहा है आपका, वर्कआउट का ब्लॉग भी रखे तो अच्छा है यार। नहीं वर्कआउट का बोले तो वर्कआउट करते करते होता नहीं है ना, कैमरा हाथ में रखना बोल तो, इसलिए वर्कआउट का नहीं ले रहा। यू डू वन थिंग एनीवेज, यू हैव द स्टैंड राइट? हां है, एक स्टैंड ले लो, फिक्स द स्टैंड ओवर देयर, स्टार्ट वर्कआउट डूइंग, ओके वीडियो वीडियो चलता, वर्कआउट वर्कआउट चलता, दोनों भी चलता, दोनों चलते रहते, इफ नॉट आई विल सपोर्ट फॉर दैट। छोड़ दिया एंड वो अपने घर के लिए निकल गए। उन्होंने बहुत कुछ बताया कि भाई मैं अपने व्लॉग्स में और क्या इन्वॉल्व कर सकता हूँ और कैसे अच्छा बना सकता हूँ अपने व्लॉग्स, सो उनके जो भी आइडियाज़ हैं उनके ऊपर ज़रूर फॉलो करेंगे। तो अभी पहले तो घर पे चलते हैं, भाई कुछ खाना खा लेते हैं। दोपहर की मस्त खिचड़ी बच गई थी तो मस्त दही के साथ खा लेते हैं, तो अभी फटाफट से डिनर करते हैं एंड फिर बस एडिंग वगैरह हो गए हैं, फिर बस सो जाएंगे। पापा जी तो पता नहीं कब तक आएंगे, मेरे ख्याल से 11:30 या 12 आराम से बच जाएंगे, क्योंकि फंक्शन दूर पड़ता है यहाँ से। फिर कोई नहीं, हम तो पहले डिनर करते हैं एंड फिर मस्त सो जाएंगे। आज तो मस्त सोते सोते एडिटिंग चल रही है, सो अभी 10 बजने को आ गए एंड बस अभी जो भी अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बस यही एडिटिंग करनी है, बाकी एडिटिंग तो सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है एंड फिर बस सो जाएंगे यार, बहुत ही नींद आ रही है। दी तो मस्त अपने फ़ोन में लगे सोए, क्योंकि पीछे आपको दिख रहा होगा। एंड अभी के लिए ब्लॉग को भी एंड करते हैं, क्योंकि भाई कल सुबह जल्दी भी उठना है एंड कल भी एक फंक्शन है जो कि दोपहर में हमें अटेंड करना है, क्योंकि मुझे भी जाना पड़ेगा वहाँ पे, मुझे दीदी को, पापा जी को, मम्मी जी को, भाई सबको जाना पड़ेगा। एंड जो भी और इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दे दूंगा। एंड अभी के लिए ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि बस अभी एडिटिंग मार के
भाई सो जाऊंगा, बहुत ही नींद आ रही है आज, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, नींद के ऊपर नींद ही आ रही है। पहले तो सुबह बहुत नींद आ गई एंड अभी भी बहुत नींद आ रही है, पता नहीं थकान थकान सा लग रहा है यार। जिम वर्कआउट मेरे लिए ना ज़्यादा हो जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कभी बार तो, क्योंकि सुबह एक तो जल्दी उठ नहीं पाता हूँ भाई, बहुत ही नींद आती उठे जब, मैं सोचता हूँ 5 बजे उठेंगे लेकिन थोड़े थोड़े करके 6 बज ही जाते यार उठते उठते। चलो कोई नहीं, अभी ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि मुझे भी सोना है यार। आई होप यू एंजॉयड, इफ यू एंजॉयड प्लीज हिट ए लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज गाइस शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स एंड शो इट देम आल्सो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।